नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम सावन व्रत स्पेशल बनाएंगे, पेठा या सीताफल जो भी आप बोलते हैं, सीताफल की पैनकेक बनाएंगे मीठे में हम। तो देखिए कैसे बनता है। ये हमने 250 ग्राम सीताफल लिया है और इसका छिलका निकालकर हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं और अब इसको थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। पैन में हमने पानी उबालने रख दिया है और अब इसमें हम ये सीताफल डाल देंगे। पानी गर्म हो चुका है और इसको अब हम थोड़ा सा उबाल लेंगे जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो सके। इतना ही उबालना है, एकदम से गलाना नहीं है और कुछ भी नहीं डालना इसमें, और ढक्कन लगा के हम इसे उबाल लेंगे। तो सीताफल हमने उबाल कर ठंडा कर लिया है, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है एकदम से। और इसका थोड़ा पानी निकाल देंगे हम निचोड़ के। सीताफल को हमने बिल्कुल पानी निचोड़ लिया है और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल सीताफल हमारा मैश हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये व्रत वाले समा के चावल हाफ कटोरी। हाफ कटोरी डालेंगे हम सिंघाड़े का आटा। थोड़ी सी डालेंगे इलायची, हरी इलायची का पाउडर। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार पिसी हुई चीनी, गुड़ भी डाल सकते हैं आप। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। ये जो सीताफल का पानी था ये भी हमने सारा डाल दिया है इसमें। पेस्ट हमारा अभी भी गाढ़ा है काफी। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, सेंधा नमक डालेंगे, एक चम्मच दही, और इसे मिक्स कर लेंगे। पेस्ट अभी भी गाढ़ा है तो इसके अंदर अब हम पानी नहीं मिलाएंगे, इसमें हम डालेंगे दूध। उतना ही दूध मिलाइएगा जितना कि हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो हमें ये इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए, ये देखिए इतना गाढ़ा ही चाहिए हमें। कौन कहता है कि बच्चे सीताफल नहीं खाते, अगर आप इस तरह से खिलाओगे तो बच्चे जरूर सीताफल भी खाएंगे। अभी हमने व्रत का आटा वगैरह डाला है, वैसे आप सादा गेहूं का आटा डाल के बना सकते हैं और दिनों में, तो बच्चे सीताफल भी खुश होकर खाएंगे जो उनको बहुत ही फायदेमंद रहता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा 1/4 चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच दूध और डाल देते हैं इसमें। अब बिल्कुल सही हो गया है। एक पैन गरम कर लेते हैं। पैन हमने गरम कर ली है और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं इसकी। अब इसमें एक बूंद तेल ही डालेंगे हम, घी तेल जो भी आप यूज करें। और इसमें एक चम्मच इस तरह से डाल देंगे, जितने बड़े पैनकेक बनाने हो आप उसी हिसाब से ले, एक चम्मच काफी हो जाता है। और इसके ऊपर डालेंगे हम सफेद तिल और ये हमने थोड़े बादाम काट लिए हैं, चिप्स बना लिए इनकी। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और लगा देंगे हम और इसे पलट लेंगे। देखिए पीछे से एकदम सिक गया है। अब इसको आगे से भी सेक लेते हैं अच्छे से। गैस को सिम पर ही रखिएगा। अब इसे पलट लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छे से हमारा पैनकेक सिक गया है बढ़िया सा। अब इसे हम निकाल लेते हैं, फिर से हम एक चम्मच भर के इसमें डालेंगे।
और इसे फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे और देखिए कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पैन बना लेंगे। तो देखिए हमारे सारे पैन रेडी है और इसको अब हम शहद से गार्निश करेंगे। जो बच्चे नहीं खाते सीताफल उनको जरूर दीजिएगा, टिफिन में भी दे सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने दही की डिप बनाई है, तो प्लीज आप जरूर बताएं कि रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।